अरे भैया अंडा क्यों फोड़ रहे? पहले का अंडा फोड़ा, किसने बोला? ये अंडा तो ये रहा आपने फोड़ा यार, इसी का तो बनेगा एक काली। क्या बात करो, एक काली बनाओगे फोड़ के अंडा? ओ भाई साहब, चलो फिर बनाओ। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, आज देखते हैं इस फूटे हुए अंडे से भैया नई कौन सी रेसिपी लेकर के आ चुके हैं मार्केट में। तो ये देखिए भाई, जो फोड़ा हुआ अंडा था वो अंडे को उठा लिया है इन्होंने प्लेट के अंदर। ओहो भाई साहब, पहली बार ऐसी कोई रेसिपी मैं देख रहा हूँ जहाँ पे ऐसा कुछ भैया बनाने वाले अंडा तोड़ के। तो भाई ये देखिए, यहाँ पर एक काली बनाने की रेसिपी अब शुरू हो चुकी है बिल्कुल। उसके लिए सबसे पहले कटोरी में एक अंडा फोड़ा गया है, नमक डाला है और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग उसको बढ़िया से फेंटा जा रहा है। तो भैया ये एक काली कब से बना रहे हो? जवान पिक्चर देखा था। क्या बात है, तो काली तो फिर वही थे विलेन। अच्छा, तो एक काली बनाना चालू किया आपने? क्या बात है भाई, देखो जवान मूवी का असर इतना हो गया है कि भाई एक काली भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है भैया के पास। तो सबसे पहले आपने देखा भैया ने कच्चा अंडा फोड़ दिया और बोले मैं एक काली बनाऊंगा। अब उस कच्चे अंडे का इस्तेमाल कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता है, वीडियो के एंड तक बने रहिए पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक अंडे का ऑमलेट यहाँ पर डाला गया है, आगे क्या होगा देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑमलेट बिल्कुल रेडी है और इसको भैया निकाल रहे हैं एक प्लेट के अंदर। ओ भाई साहब, रोल किया जा रहा है इसको तो बिल्कुल। और ये फिर से तवे पर ऑयल आ चुका है और ऑनियन ऐड कर लिया है, साथ में ये आ गया गार्लिक पेस्ट और ये आ गया ग्रीन चिली पेस्ट। और नमक है, हल्दी के बाद नमक है भैया? अच्छा, धनिया पाउडर आ गया, काली मिर्च पाउडर। और ये देखिए बॉयल अंडे का जो येलो पोर्शन है वो डाल लिया गया है, साथ में आ गया है ये स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग गार्लिक भी मिक्स है उसमें और ये आ चुका है धनिया और ये हल्का सा ऑयल। तो गाइस कमेंट कीजिएगा पूरी रेसिपी देखने के बाद कि एग काली आपको कैसा लगा जो भैया ने जवान मूवी देखने के बाद भाई लॉन्च किया है। और एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन जहां आने के बाद आप ये एग काली बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये अंडे में और कितनी वैरायटी बनाते हैं आप? 200-300 वैरायटी बनाते हैं। और ये देखिए हल्का सा वाटर ऐड कर लिया गया है इसको ग्रेवी फॉर्म में लाने के लिए। और ये ऊपर से आ गया चीज। तो भैया ये एक काली काला भी दिखेगा या सिर्फ ऐसा ही रहने वाला है? ये बोल रहे हैं भैया कि पूरा काला बनने वाला है, देखते हैं भाई इसको काला कैसे बनाया जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये क्या बात है भाई, फूटा हुआ अंडा भी ले लिया भैया ने, ये क्या होगा भाई? ओ माय गॉड, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देख लो भाई, पहले अंडा फोड़ा इन्होंने और बोलते मैंने कहाँ फोड़ा।
और अभी वो अंडा यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं। तो हो गया एक काली या और भी कुछ होगा सर? बाकी अभी काला तो करेंगे ना। क्या बात है, ये देखिए भाई अभी एक काली का अगला वेरिएंट देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पर हल्का सा पानी ऐड कर दिया है भैया ने तवे पर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। चीज भाई और वापस से ऑयल भी आ चुका है। ये देखिए भैया एकदम व्हाइट ग्रेवी बना दिया इन्होंने मलाई की तरह। ये तो बोल रहे थे भैया आप काला हो गया, ये तो सफेद हो गया। काला आएगा, आएगा। अच्छा आएगा क्या? तो ये लो भाई ये ग्रेवी भी अब ऐड हो रही है उसके ऊपर। क्या बात है भाई, एक नंबर डिश लग रही है ये। भैया ये क्या डाल रहे हो यार? ये तो है काली का। ओह माय गॉड, ये देखिए भाई साहब एक काली का ये मसाला। तो ये मसाला कहाँ से आता है भाई? बाहर से मंगवाता हूँ। आप ही मंगवाते हैं? तब तो मुझे लग रहा है सूरत में ये वेरिएंट और कहीं नहीं मिलेगा भाई। तो अब हो गया ये रेडी है काली? हाँ, हो गया। और कितना ब्रेड आएगा उसके साथ भाई? 8 पाव आएगा। क्या बात है भाई। तो गाइज वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम भैया का एड्रेस बताते हैं ताकि आप लोग भी आकर के भाई साहब ये चीज जो है ना एक काली बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए भैया ने यहाँ पर सलाद दे दिया, एक काली आ गया और ये ब्रेड आ गया। अच्छा भैया ये किसी को खाना हो तो कहाँ आना रहेगा? मोरा बगल सिंगोतर माता मंदिर के बाजू में। क्या नाम से अपना दुकान? साईनाथ ऑमलेट। चले गाइस एक बार मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये है श्री साई ऑमलेट सेंटर और ये आया हुआ है मोरा बगल सर्कल पे सिंगोतर माता मंदिर के सामने पास में। और यहाँ आकर के आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं।